कौन से शेयर है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ी और समझ लेते हैं चीजों को। इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी तक 7800 कंपनी से ज्यादा रजिस्टर्ड है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी कितनी है? 7800 प्लस कंपनीज है जो कि इंडियन शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में टोटल कितनी लिस्टेड कंपनीज है? 5500 लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें 2000 डेली एक्टिव कंपनीज है जिनके शेयर मार्केट में प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, कहां पे हमें पैसा लगाना है। बीएससी और एनएससी में हम पैसा लगाते हैं। एनएससी में टोटल 1920 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिसमें से एक्टिव कंपनीज कितनी है? 1793 एक्टिव कंपनीज हैं जिसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं एनएससी की 50 कंपनीज और उनके शेयर मार्केट शेयर प्राइसेस के बारे में भी, और उसमें आपको बताता हूं कि कौन से एकदम गोल्ड माइन है, मतलब एकदम अगर आप खरीद लेते हो, है ना, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो और खरीद लेते हो, पैसे कहां से आएंगे वो भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, नया तरीका है जो पिछली बार मैंने नहीं बताया था, ठीक है। सो एनएससी के टॉप 50 कंपनीज को जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर जो कंपनीज आपको दिखाई दे रही है, ये एनएससी की टॉप 50 कंपनीज और गोल्ड माइन है। रिलायंस, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका शेयर प्राइस अभी 2215 रुपए, काफी महंगा है, एक शेयर 2215 रुपए का है, बट ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मुकेश अंबानी को सब आप जानते ही हो, है ना, और मतलब क्या माइंड ब्लोइंग प्रोग्रेस है उनकी अगर आप देखोगे तो। अब मैंने खुद ने इस शेयर को 1200 रुपए में देखा था आज से एक डेढ़ साल पहले, अब 2200 रुपए का हो गया, क्या गजब की प्रोग्रेस है। और आप ये सोचो कि ये ग्रोथ इसकी कंटिन्यू रहेगी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ये शेयर, ठीक है, टॉप पे आता है, हर कोई रेकमेंड करता है रिलायंस का शेयर खरीद लेना। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबसे बड़ा कैप्चर मार्केट कैप्चरिंग आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया में, उनका एक शेयर का प्राइस 3279 रुपीज का है, बहुत महंगा है, बट ये गोल्ड चिप, मतलब अगर ये ब्लू चिप शेयर्स हैं खरीदते हो तो बहुत अच्छा। एचडीएफसी बैंक लीडर है, सारे के सारे अपने मार्केट में लीडर है, 1487 रुपए का एक शेयर है, ये भी लीडर है आपका। क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2367 रुपीज का एक शेयर है। एयरटेल, ये भी लीडर ही कहेंगे, 541 रुपए का शेयर है। एचडीएफसी खुद जो होम लोन देता है 2560 रुपए का, ये भी लीडर है, 162 रुपए का शेयर है, कोल इंडिया, ठीक है। और उसके अलावा कौन है यहां पर जरा गौर से देखो, इंफोसिस 1446 रुपए का शेयर है, कोटेक 1792 रुपए का शेयर है, आईसीआईसी 635 रुपए का शेयर है, ये मेरा फेवरेट है, आईटीसी 208 रुपए का शेयर है, नेस्ले, नेस्ले का तो शेयर प्राइस गलत लेगा, 113 नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, ये बहुत महंगा है, मतलब 17000 रुपए के करीब है, तो माफी चाहता हूं यहां पे गलत लिख गया। मारुति 7215 रुपए का शेयर है, ब्रिटेनिया 3553 रुपए का शेयर है, एसबीआई ये खरीद सकते हो, सस्ता शेयर है लेकिन बहुत अच्छा, फंडामेंटली गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट का बैंक है यार, तो ऑब्वियसली हमें खरीदना चाहिए, ठीक है, इसके शेयर आप ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसबीआई सब जानते हैं, 429 रुपए का शेयर है। एशियन पेंट, पेंट इंडस्ट्री में सबसे टॉप क्लास शेयर है बट बहुत महंगा है, 2955 रुपए का शेयर है। एचसीएल आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है, तो 982 रुपीज का शेयर है, ये अच्छा शेयर है। बजाज फाइनेंस काफी महंगा शेयर है, बट ये सारे निफ्टी 50 के क्या है, पार्ट है, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज है। एलएनटी बहुत बढ़िया शेयर है, एलएनटी, ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो बहुत बढ़िया शेयर है, 1506 रुपए का शेयर है। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया शेयर है, बजाज फाइनेंस बहुत महंगा है तो अभी मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो निफ्टी 50 की बात करें, सन फार्मा, उसके प्राइस लिखा हुआ है 681 रुपए, अल्ट्राटेक 6665 रुपए, बहुत महंगा शेयर है बट सन फार्मा आप ले सकते हो, बट अगेन यहां पर सन फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलेंगे उनमें, फार्मा सेक्टर बोलते हैं ना उसका शेयर है। एनटीपीसी, और भी सस्ते शेयर बहुत है जो कि निफ्टी 50 में शामिल है, जैसे ओएनजीसी 123 रुपए का शेयर है, एनटीपीसी 118 रुपए का शेयर है, इन पे फोकस करो। पावर ग्रिड 240 रुपए का शेयर है, ये सारे पीएसयूज हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो, पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, इनकी डिविडेंड बहुत अच्छे होते हैं। फिर आगे बजाज ऑटो, काफी महंगा शेयर है, 4173 रुपए का। इंडियन ऑयल बहुत बढ़िया शेयर, 115 रुपए का एक ही शेयर है। टाइटन, जिसने राकेश झुंझुनवाला को अमीर बना दिया है, मतलब ये वो शेयर है, 1729 रुपए का शेयर है, जो कि बहुत 3 रुपए में खरीदा था उन्होंने, है ना। टेक महिंद्रा 1073 का शेयर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 808 रुपए का शेयर है। हीरो मोटोकॉर्प 3000 रुपए का शेयर है, टाटा स्टील 1163 रुपए का शेयर है, यही शेयर को 300 रुपए के करीब था, इतना महंगा हो गया अभी ये शेयर, और बहुत रिटर्न, अच्छा रिटर्न दिया है इसने टाटा स्टील ने। इंडसइंड बैंक 1015 का शेयर है, और ये देखो भारत पेट्रोलियम 483 रुपए का शेयर है। ये सारे निफ्टी 50 के पार्ट हैं। और आते हैं श्री सीमेंट, 28000 का है बट ये निफ्टी 50 का पार्ट है, बहुत महंगा है, रेकमेंड नहीं करूंगा। आइशर 2740 रुपए का, जेएसडब्ल्यू 732 रुपए का, सिप्ला 967 रुपीज का,
अडानी, आजकल इसका नाम बहुत हो रहा है क्योंकि शेयर मार्केट ने ही अडानी जी को अमीर बना दिया है, अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बूम पर है। 1601 रुपीस का शेयर है अडानी के, तो बहुत सारे, अडानी पावर, अडानी ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ट्रांसमिशन, है ना। तो अडानी का जो शेयर है बेसिकली 1601 रुपए का है। डिविस काफी महंगा शेयर है, गेल 163 रुपए का शेयर ये खरीद सकते हो, ठीक है, काफी अच्छा शेयर है। तो ये निफ्टी 50 है। और फिर आता आपके पास आदित्य बिरला, 1400 रुपए का शेयर है, यूपीएल, उसके बाद ये आदित्य बिरला का एक और शेयर है, शायद वो ग्रासिम का है, ये हिंडाल्गो का है, टाटा मोटर्स, ये शेयर 90 रुपए में ट्रेड हो रहा था एक डेढ़ साल पहले, 350 रुपए का हो गया। ये मेरे पास, मैंने बहुत, क्योंकि देखो शेयर मार्केट किसी का खेल है, टाटा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट में शेयर गिरता है तो इसको जरूर खरीदो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एचडीएफसी लाइफ, लेकिन ये मेरी रिसर्च है, ठीक है, अपना रिसर्च कर लेना। एचडीएफसी लाइफ रेकमेंडेड शेयर है लाइफ इंश्योरेंस में, 684 रुपीज का शेयर है। विप्रो 555 रुपए का शेयर है। डॉक्टर रेड्डी 5460 रुपए, बहुत 5460 रुपए बहुत महंगा शेयर है। एंड एसबीआई लाइफ 990 रुपए का। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, अभी बूम पर है, तो आजकल लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी धीरे धीरे। एलआईसी बूम पर है, तो इसमें एचडीएफसी लाइफ का भी नाम आता है और एसबीआई लाइफ का भी नाम आता है, इंश्योरेंस करवा रहे हैं आजकल कंपनीज इनमें, आईसीसी लुम्बार्ड से भी करवा रहे हैं, लेकिन वो निफ्टी 50 में नहीं आती है, ठीक है। तो ये टोटल निफ्टी 50 के टोटल 50 शेयर्स हैं। इसी तरह से टॉप 30 कंपनीज बीएससी की भी देख लेते हैं कि बीएससी में कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो आपको बीएससी कंपनीज दिखाई दे रही हैं, उनमें सेक्टर वाइज देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर में ये बीएससी की कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, और बीएससी में टोटल 40% का शेयर इन्हीं कंपनीज का है। इसी तरह से इंफोसिस, टाटा, और मैं आपको एक बात बताऊं, बीएससी और एनएससी में बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज कॉमन है जो बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है। तो ये आपके जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये सारी आपकी बीएससी की कंपनीज भी है और एनएससी की कंपनीज भी है। एनएससी में कंपनीज थोड़ी ज्यादा है जो एनएससी 50 में आती है, क्योंकि उसमें 50 कंपनीज है, बीएससी में 30 कंपनीज टॉप 30 देखते हैं हम लोग। पर ऐसा नहीं है कि 50 और 30, इसके अलावा बहुत कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, जहां पर शेयर मार्केट का डेली जब खुलता है तो उनका प्राइस वेरी करता है, उनमें भी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन वो निफ्टी 50 और बीएससी 30 का मतलब क्या है? ये ऐसी कंपनीज है जो कि बहुत लंबे समय से हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है वीकन से, इसीलिए उनको चुना गया है कि आप टॉप 50 हो और आप टॉप 30 हो। बहुत सारी फंडामेंटल चीजें होती हैं, सबको काउंट करते हुए उनको टॉप 50 और टॉप 30 का नाम दे दिया, लेकिन कंपनीज तो 7000 हैं टोटल, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर लोग यही रेकमेंड करते हैं कि आप निफ्टी 50 में पैसा डालो या बीएससी 30 में डालो, ऐसा कहते हैं क्योंकि वो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, काफी लंबे समय से हैं, ठीक है, इसी वजह से, और उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उनको कहते हैं। लेकिन आप बाकी शेयर्स में भी पैसा डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें किसी शेयर का पता लगता है कि वो निफ्टी 50 और 30 में नहीं आता, बट वो शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी इसी में डालना है। समझ में आया? आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप इन्हीं कंपनीज में पैसा डालो।